निकाय चुनाव मतदान का लोगों में इस कदर उत्साह था कि क्या बूढ़े क्या जवान सभी मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालते नजर आए। इसी क्रम में ठंड के बीच मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग को भी वोट डालते देखा गया। बुजुर्गों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि नगर के विकास के लिए नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रत्याशी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए वो वोट डालने आए हैं। तमाम बुजुर्गों को देखकर साफ लग रहा था कि वाकई लोग वोटिंग के लिए कितने जागरूक हैं। आप इतनी उम्र दराज हैं, आप वोट डालने के लिए आए हैं, कैसा महसूस आपको हो रहा है, क्या सोच करके आपने वोट डाला है? इसलिए डाला है, हमारे मोहल्ले में बहुत मसाइल हैं, ये हमारे एरिया का लड़का है, इसको वोट डाला है ताकि हमें सहूलत हो, सफाई वगैरह हो, और हमारे बड़े मच्छरों की भरमार है, सफाई वाला नहीं आता, महीनों हो गए, बहुत कोशिशें करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, जब कहीं जाके वो लोग आते हैं, फिर भी कई कई दिन कीड़ा कीचड़ पड़ी रहती है, सफाई उठाने के नहीं आते हैं। इसलिए हम जरूरी चलने की हालत में नहीं थे, लेकिन वोट डालने आए। अब से पहले कितनी बार आपने वोट डाला होगा? अब तक कितनी बार वोट डाले होंगे आपने? यानी आज नहीं, हमेशा डालते चले आए हैं। कितनी बार डाले होंगे? अरे अंग्रेजों के जमाने से डालते चले आ रहे हैं हम। तो क्या पहले में और अब में कोई बदलाव दिखा है? बहुत बदलाव दिख रहा है। हम तो सोच रहे हैं साहब के वो दौर था अंग्रेजों का, वो आज के दौर से बहुत बेहतर था, सफाई होती थी, आज कुछ नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या क्या उद्देश्य था आपने वोट डाला है, क्या कौन से मुद्दे के साथ भाई? इसलिए डाला है कि हमारे मसले जो हैं कि हमारा आदमी यहाँ पर हो, ताकि हम उसको बता सके, वो हमारी हर बात निगरानी करे, देखे, हमारे मसाइल को समझे, इसलिए हमने